प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दो हमारी, उसका सेकंड सेशन है आज फ्राइडे को। तो जो कोविड सिचुएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सैंपलिंग जो है काफ़ी इंक्रीज हुई है। पिछले हफ्ते का डेटा मेरे पास है, 24 तारीख को हमारी 744, जिसके बरकस हमने 25-26 को तीन गुना से ज़्यादा बढ़ाई है। 2442 25 तारीख को हुई, उसके बाद 380 जो है 26 तारीख को हुई, कल जो है 1297 हुई, जिसके बारे में मैंने इनको एक्सप्लेनेशन भी निकाला है कि भाई सैंपलिंग क्यों अचानक आपने कम कर दी है। आज फिर हमने इनको टारगेट दिया है कि भाई 2442 जो परसों आपने अचीव किया है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमें पूरा ओवरऑल सिचुएशन पता लगे कि उससे पॉजिटिविटी रेट क्या है। लेकिन ओवरऑल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो है कम हो रहा है हमारा। इस वक्त 10.1 है पॉजिटिविटी रेट। डेथ जो है पिछले हफ्ते में यहाँ पे बहुत कम हुई है, आज की डेट में हमारी 0 डेथ है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे होम आइसोलेशन में जो केसेस हैं हमारे, वो 1718 के करीब केसेस हैं, और जो हमें कोविड किट्स आए थे सप्लाई में वो हमारे पास 1450 किट्स आए थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो रिगार्डिंग एक सोशल मीडिया पे एक रॉन्ग नोशन जो है सर्कुलेट हो रहा है, किसी की वीडियो सर्कुलेट हो रही, उसके बारे में सुबह ही हेल्थ के ऑफिसरान से मीटिंग हुई, और मैं ये वाजे करना चाहता हूँ अपने आवाम को, ताकि लोगों में एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, और वैक्सीनेशन के तहत जो है लोग जो है उनका क्लेरिफाइड जो है व्यू उनके सामने रखा जाए। वो जो एक नोशन बनाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। अलबत्ता हमारे पास जो आंकड़े हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है फर्स्ट डोज या दोनों डोज जिनने कराए हैं, उनकी जो है इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ी है, और उसकी फैटलिटी जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। कोई भी दो डोज लगा के जो है कोई ऐसी मॉर्टेलिटी कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुई। इसलिए लोगों में अगर कोई कहीं पे कन्फ्यूजन है उस वीडियो की वजह से फैला हुआ है, तो उसको मैं दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी कुपवारा की आवाम से, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में सपोर्ट किया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ करना, और जो सैनिटाइजर्स और हाथों की सफाई हाइजीन वगैरह का जो प्रॉपर यूज़ है, वही एक क्या कहते हैं माध्यम है जिसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कहा जाता है, और वैक्सीनेशन, ये दो चीज़ें हमारे पास हथियार हैं जो हमें इस कोविड की महामारी से पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को, बल्कि पूरे यूनियन टेरिटरी और पूरे नेशन की आवाम को इससे बचा सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से फिर ये अपील करना चाहूँगा कि वो वैक्सीनेशन के लिए जोग दर्जोग आएँ, और हमारे जो है 10 यहाँ पे जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 5-5 सेंटर हमने एक्टिवेट किए हैं। हमारे पास 50 सेंटर इस वक्त एक्टिवेटेड हैं। हम 5000 से ज़्यादा वैक्सीन जो है पर डे कर सकते हैं, और हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना होते हुए सभी लोग जो है वो 45 से ऊपर वाली एज के हैं, जो टारगेटेड ग्रुप है हमारा, वो आ जाए और अपनी वैक्सीन कराएं, और अपने आप को इस कोविड बीमारी से सेफ रखें। इसके अलावा जो हम कम्युनिटी के लेवल पे हम जो है कोविड केयर सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हमारी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। कल की डेट तक हमारे पास 62 सेंटर्स एक्टिवेटेड थे, आज हमारे पास इस वक्त 12 बजे तक 85 सेंटर्स जो है एक्टिवेटेड है, और हमें उम्मीद है कि शाम तक ये काफ़ी नंबर बढ़ जाएगा, और विद इन 2 or 3 डेज जो है हम इस टारगेट को, जो 385 पंचायतों में कोविड केयर हमने ये जो सेंटर्स जो एक्टिवेट करने हैं उसको कवर कर लेंगे हम। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट को अभी हमने डायरेक्शन दी है कि जैसे आदेश हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, कि हर जो कोविड केयर सेंटर पे टेस्टिंग की रेड टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ताकि हमें उन लोगों को आइसोलेट करने में आसानी होगी जिनको हमने उस आइसोलेशन सेंटर में रखना है, और फिर बाद में उनकी मॉनिटरिंग और उनका रेफरल जो है हमारे लिए जो है
प्रॉपर मैकेनिज्म जो है बना रहेगा। यही मुझे इसमें ऐड करना था, और ये एक और पैगाम है हमारी कम्युनिटी को, ताकि वो कोविड से जो है अपने आप को इन सेंटर्स का यूज करके अपने आप को कोविड से बेहतर तरीके से वो बचा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।